बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अभी बनाने लगी थी मैं ये भिंडी, तो ये ना दोपहर का टाइम है और शबे बारात की जो वीडियो मैंने हलवे की आपके साथ शेयर की थी, तो ये इसके फिर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैंने वीडियो बनाई थी ना, तो ये उस दिन का व्लॉग है। तो बस ऐसे ही चल रहा था, अभी शबे बारात ही गुजरी थी तो हलवे वगैरह भी बनाए थे, तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था अभी कोई इस तरह का कोई ऐसा काम करने का। और खाने भी ज़ाहिर है रोज़े थे सबके, तो खाने भी काफ़ी हैवी बने थे, तो अभी यही था कि हल्का फुल्का सा बना लेते हैं। तो फिर मैंने कहा जो बना रही हूँ वही आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो ये जो ब्लॉग है ना, ये मैं आपके साथ दोपहर के टाइम से शुरू कर रही हूँ। तो अभी मैंने भिंडी बनाई थी। अच्छा, भिंडी में ना हमारे घर हमेशा जो है प्याज ज़्यादा डलती है। अच्छा, जो भिंडी थी ना वो मेरे पास 1.5 पाव के करीब थी और इसमें प्याज भी मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब ही डाली है। ये कह लें कि 3 से 4 जो थी ना दरमियाने साइज़ की प्याज थी वो, और चाहें तो इससे भी ज़्यादा ले लें। तो भिंडी बहुत अच्छी बनती है प्याज ज़्यादा डालने से, और ऑयल ज़रा सही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम ऑयल में ना। खैर वो हेल्थ के लिए तो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर हम सब्ज़ी के साथ कभी कभार डाल लेते हैं थोड़ा सा सही ऑयल, तो ये होता है कि सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो हमारे घर में तो खैर मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती कि अलग से नज़र आए, लेकिन फिर भी बहुत हल्का तेल भी इस्तेमाल नहीं करती ना। तो अभी मैंने प्याज इसमें डाल कर ब्राउन कर लिए, और प्याज ब्राउन करने के साथ साथ मैं आटा भी गूंद रही थी, तो दूसरी तरफ आटा भी गूंद दिया है मैंने। बस अभी मैंने इसमें भिंडी शामिल की है, और भिंडी शामिल करने के बाद मैंने इसमें डाला है नमक, और इसके साथ साबुत लाल मिर्च जो थी वो तोड़ कर इसमें शामिल कर दिए। अच्छा, इस तरीके से ना इतनी सादे तरीके से भिंडी इतने मज़े की बनती है, और हमारे घर में तो मैं जितनी भी भिंडी बना लूँ ना बिल्कुल भी नहीं बचती, बहुत मज़े की भिंडी लगती है। तो बस ये दोनों चीज़ें डालकर मैंने इसे ज़्यादा चलाया नहीं है, बस इसे ढक दिया है। अब जब ये गल जाएगी ना तो बस पक जाएगी। भिंडी को बहुत ज़्यादा चलाना नहीं होता, और हल्के चूल्हे की जो स्लो फ्लेम होती है उस पर पकाना होता है। अच्छा, शुरू में तो जब हम भूनते हैं ना तो थोड़ी सी तेज़ आंच कर लेते हैं, तो चूल्हे की जो फ्लेम होती है उसको तेज़ कर लेते हैं, लेकिन बस जिस टाइम हम ढक्कन ढकते हैं तो बस दम पर लगा देते हैं, उसी में ये भिंडी गल जाती है। देखिए यहाँ पर भिंडी ना बिल्कुल तैयार हो गई है, और दूसरी तरफ मैंने आटा भी गूंद कर डिश में कर दिया है। बस दोपहर का खाना जो था वो बन गया था। इसके बाद ये तकरीबन शाम 4 बजे का टाइम है, तो अभी मैं आई थी छत पर, तो कल ना मैंने कपड़े जो थे वो वॉश करके डाले थे, तो बस ये सूख गए थे। मैंने कहा इसे आज भी दोपहर में ना सारी धूप इस पर लगी है, अब कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो बस मैं ऐसे ही थोड़े से कपड़े हैं तो इन्हें यहीं पर मैं तह बना लेती हूँ, और इन्हें जाकर ना इनके कबड़ में रख देती हूँ। अच्छा, इस टाइम ना छत पर काफ़ी धूप है, और कराची में जो मौसम है ना काफ़ी गर्म हो चुका है, तो अभी 2-3 दिन पहले ठंडी हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा तेज़, लेकिन अब फिर से जो है गर्म मौसम हो गया और अब गर्मी शुरू हो गई है। खैर ये है कि रमज़ान में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, उम्मीद है कि रोज़े बहुत अच्छे गुजरेंगे और ना ज़्यादा गर्मी होगी ना सर्दी होगी, तो बस अच्छा सा मौसम रमज़ान में रहेगा। वैसे भी अल्लाह ताला का करम होता है रमज़ान में, जितनी भी ज़्यादा गर्मी हो ना, लेकिन कुछ दिन पड़ती है और उसके बाद रोज़े जो है अक्सर ठंडे हो जाते हैं, और फिर रोज़ेदारों को ना अल्लाह ताला बर्दाश्त भी दे देता है, फिर उनको इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती गर्मी। खैर शबे रात गुजर चुकी है, अब इसके बाद मैं आपके साथ जो है ना रमज़ान की जितनी भी तैयारी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी, और बहुत सी सारे काम भी करते हैं करने, सफाइयाँ भी करनी है रमज़ान से पहले की, और इसके साथ ही ना जो भी हमें बनाना है वो चीज़ें भी बनानी है, उसे बनाने से ही हुआ काफ़ी आराम हो जाएगा रमज़ान में। तो अभी वो सब बनाऊँगी तो फिर आपके साथ शेयर भी करूँगी,
और इंशाल्लाह रोज की जो वीडियो है वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। फिर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में शाम के खाने के लिए, तो मैं थोड़ी सी जो है सैंडविच भी बना रही थी, तो फिर मैंने क्या किया कि आधा किलो बोनलेस चिकन ली थी। इसके बाद ना तवे पर मैंने एक चाय का चम्मच ऑयल लगाया, उसके ऊपर चिकन जैसे रखी, फिर कुटी हुई मिर्चें एक चम्मच डाली, दो चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और आधा कप पानी डालकर ढक दिया। और अब देखेंगे गल गई ना, तो मैंने इसे इसका इस तरह से रेशा बना लिया। ये जो चिकन है ना ये हमारे काफ़ी काम आएगी, बहुत सारी चीज़ों में ये हमारे काम आती है और बहुत मज़े की लगती है। तो अभी मुझे क्या करना है अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, मैंने ले लिया है हसबे ज़रूरत तेल और इसमें डाली है 2 गिरा के करीब प्याज। अभी जब प्याज ब्राउन हो जाएगी ना, मैं तो मैंने आलू जो थे वो बॉईल करके रखे हुए, तो बस आलू के मैंने 2-2 टुकड़े किए। अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद मैं बना रही हूँ खट्टे आलू। तो मैं आपको बता रही थी ना आज मैं आसान आसान सी सारी डिशेस बनाऊंगी, लेकिन बहुत मज़े की बनेंगी। तो अभी मैंने इसमें डाला है पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच और धनिया पाउडर 1 चम्मच। अच्छा, इसमें ना मैंने गरम मसाला शामिल नहीं किया है। तो बस ये दोनों चीज़ें मैंने भून ली हैं। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर मैंने और भूनेंगे ताकि जो भी मसाला है ना अच्छी तरह से भून जाए। अब जो मैंने आलू बॉईल करके रखे थे वो भी इसमें शामिल कर दिए। अच्छा, ये इतनी आसानी से ये डिश बन जाती है और इतने मज़े की बन जाती है, आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। आप इसे पूरी के साथ खाएं या रोटी और पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। इसके बाद इसमें डाला है मैंने चाट मसाला तकरीबन 1/2 चाय का चम्मच और इमली का जो पानी होता है, इमली मैंने भिगा दी थी तो बस वो उसका पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ी हल्की सी खटास के लिए डालना है। टमाटर हम इसमें डालेंगे नहीं, बस थोड़ी देर तक और भुनेंगे। फिर जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा हम देखेंगे ऑयल ऊपर आ गया है, तो मैंने इसमें कसूरी मेथी जो होती है वो थोड़ी सी क्रश करके डाल दी है, ऊपर से साबुत हरी मिर्चें जो हैं वो काट कर डाल दिए, हरा धनिया कटिंग करके डाल दिए और बस इसे मिक्स कर दिया। ये हमारे खट्टे आलू जो है ना बनकर तैयार हो गए। इसे आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। सुबह नाश्ते में अगर आपके पास कुछ नहीं है ना तो ये बना लें और इसे इंजॉय करें, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये देखें यहाँ पर ना ये मैंने बनाई थी चिकन सैंडविच बनाने के लिए, तो बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ही होता है। तो अभी मैं बना रही थी सैंडविच, तो बस मैंने इसमें क्या किया कि मैं थोड़ा सा निकाला चिकन, इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच सिरका डाला है और थोड़ी सी मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्च डालकर और मायोनीज डाला है इसमें हसबे ज़रूरत, और इसे मिक्स कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ चिकन स्प्रिट। तो अभी शाम का टाइम है, चाय के साथ बच्चों का बहुत दिल चाह रहा था कि कुछ ना कुछ खाने का, तो मैंने कहा चलो ये जल्दी से ना मैं इन्हें बना कर रख देती हूँ। वैसे भी चिकन रखी थी, मुझे ये भी बनानी थी, तो ये जो चिकन बच गई है ना इसे मैं रखूँगी डिश में करके फ्रीज़र में, और फिर आइंदा जो मैं रेसिपीज़ बनाऊँगी ना वहाँ पर मैं इन्हें इस्तेमाल करूँगी। तो आइंदा आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैंने इन्हें इस चिकन को कहाँ पर यूज़ किया, कहाँ पर इस्तेमाल किया। तो बस यहाँ पर मैं चिकन स्प्रिट बना रही हूँ, तो आप इन्हें इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा चिकन स्प्रिट में, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बहुत सादे से होंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाते चिकन स्प्रिट वैसे भी उनको बहुत पसंद होते हैं, तो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी आज की जो वीडियो है उसे मैं यहीं पर एंड करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।